वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन माई सेल्फ आर योर ओन। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने फिनाल के बारे में पढ़ा, फिनाल की निर्माण की सामान्य विधियां, उनसे संबंधित प्रक्रियाएं, फिनॉल के रासायनिक गुण फिनॉल के कोई समूह पर आधारित, बेंजीन लिंक पर आधारित, इस तरह करके आपने और साथ साथ फिनॉल का रासायनिक परीक्षण क्या है और उसके क्या उपयोग है। आज उसी टॉपिक के अंतर्गत आप ईथर के बारे में पढ़ेंगे, ईथर के निर्माण की विधियां आप पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले आप देखेंगे ईथर और इसका सबसे कॉमन कंपाउंड है डाइएथिल ईथर, इसी को अथवा एथॉक्सी एथॉक्सी एथेन भी कह सकते हैं। इस तरह से आप इसको नोट करेंगे, ये ईथर है, इसके अंतर्गत ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। तथा ईथर शब्द का मतलब होता है डाई एथेन ईथर, इसका एक बेसिक नाम है एथॉक्सी एथेन और इसका जनरल लिखते हैं ईथर, ये आपका CnH2n+1 का होल ट्वाइस एंड ओ, ये means R का twice not O, ये इस तरह से या R and O, ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर, अब इसी क्रम में आपको इसका निर्माण पढ़ना है। तो आइए ईथर का निर्माण कैसे करते हैं, इसका नामकरण भी आप देखते चलेंगे साथ साथ, जनरल चीजें हैं निर्माण के अंतर्गत आपको पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्माण सामान्य विधियां हैं, सामान्य विधियां जनरल मेथड्स और उनसे संबंधित रासायनिक समीकरण। सबसे पहला है C2H5 एथिल हाइड्राइड टीबिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ होती है, ये ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है, ये एथिल हाइड्राइड है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे और यहां पर ये 2AgI निकल जाएगा और ये बनाएगा C2H5.O.C2H5, इसका नाम है डाई एथिल ईथर और इसके साथ साथ ये सिल्वर ऑक्साइड निकलता है, इसे ईथर बनाने की सामान्य अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण हुआ। या कह सकते हैं क्या होता है जब एथिल हाइड्राइड की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ होती है, ये आप लोग लिख लिख के अभ्यास करेंगे। इसी क्रम में दूसरी मेथड है, इसका भी समीकरण आप देखेंगे, नंबर दो डालेंगे आप लोग, नंबर दो ये इसी क्रम में आता है बाय डिहाइड्रेशन, ईथर का निर्माण निर्जलीकरण विधि से भी होता है, निर्जलीकरण कारक के रूप में सांद्र H2SO4 या एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अलग अलग उत्प्रेरक के रूप में, निर्जलीकरण कारक के रूप में होते हैं, निर्जलीकरण द्वारा निर्जलीकरण द्वारा बाय डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। यहां पर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं C2H5OH और ये निर्जलीकरण कारक के रूप में सांद्र H2SO4 का प्रयोग करते हैं और यहाँ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं,
ये आपका है कंपाउंड एथिल एल्कोहल, और इधर बन जाता है C2H5.O, C2H5 और डाइएथिल ईथर, और ये वाटर निकल जाता है। यदि यही रिएक्शन यदि आप 160 डिग्री पर कराते हैं, 160 डिग्री से 170 के रेंज में, तो जहां पर ये डाइएथिल ईथर बनता है उसके स्थान पर एथीन बन जाएगा, एल्कीन इसे कहते हैं, ये नाम है इसका डाई एथिल ईथर। इसी क्रम में दूसरा एथिलीन कार्बन है, इसके दो पार्ट बनाते हैं आप लोग, नंबर दो, और ये इसी के स्थान पर जहां पर ये रिएक्शन लिखा गया है C2H5OH, और इसके स्थान पर ये N2O3, ये भी एक एथिलीन कार्बन ही है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर की कंडीशन आपको 250 डिग्री लगानी होगी, और उत्पाद के रूप में डाइएथिल ईथर बन जाता है C2H5, और ये पानी का निकलना हुआ ये भी है डाई एथिल एंड ईथर। ये भी ईथर बनाने की विधि है, या फिर क्या होता है जब एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण सांद्र या एल्यूमिना के साथ करते हैं। इसी क्रम में तीसरी विधि दी गई है, और वो एक वैज्ञानिक के नाम पर है, नंबर तीसरा लिखेंगे एथिल आयोडाइड की क्रिया है, ये एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम मेथॉक्साइड के साथ होती है, सोडियम और ओ एन ये है, इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड और एथिल आयोडाइड। यहां से ये इस तरह से इसको जब हीट किया जाता है ये NaI निकल जाता है, और ये मुख्य उत्पाद के रूप में डाई एथिल ईथर फॉर्मेशन होता है, डाई एथिल एंड ईथर। ये क्रिया वैज्ञानिक विलियमसन के नाम पर विलियमसन संश्लेषण भी कहलाती है। नोट करेंगे उपर्युक्त क्रिया, उपर्युक्त क्रिया विलियम संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। अपक्रिया यहां पर ये विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहलाती है। ये निर्माण की सामान्य विधियां, इनमें जो ये उत्प्रेरक निर्जली कारक विधियां पर आप निर्जलीकरण की एल्युमिना के प्रेजेंस में सामग्री के सुगोर के प्रेजेंस में ये औद्योगिक निर्माण के अंतर्गत भी लिखी जाती है, यानी बड़े पैमाने में है आपके एनसीएन को औद्योगिक निर्माण भी कहते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में प्रयोगशाला विधि आती है, 14 नंबर आता है ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में ईथर को कैसे बनाते हैं, यानी जब कोई भी कार्बनिक पदार्थ को कम मात्रा में बनाना है प्रयोगशाला विधि लैब मेथड है, लैबोरेटरी में कैसे बनाते हैं उसके लिए डायग्राम आपको बुक की सहायता से बनाएंगे। इसमें कार्बन फ्लास्क होगा, कंडेंसर और ग्राही पात्र, ये चित्र बना होगा बुक की सहायता से बनाएंगे। इस टाइप के चित्र होता है, ऐसे आप स्टैंड लेंगे और एक क्लंप की सहायता से ये इसमें ये कार्बन फ्लास्क किस तरह होगा ध्यान दें, और इसको यहाँ पर करके गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से, और इसके अंदर यहाँ थर्मामीटर डाल देते हैं क्योंकि टेम्परेचर की कंडीशन है, यहाँ से इसकी वाष्प को बाहर ले जाते हैं। यहाँ पर ये कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर इसके अंदर से ट्यूब जाता है कंडेंसर, और यहाँ पर एक एडाप्टर के माध्यम से इसको ग्राही पात्र में कलेक्ट कर लिया जाता है, ग्राही पात्र से इसको रिसीवर बोलते हैं। इस तरह का डायग्राम बना हुआ, और इसके अंतर्गत हम इसमें एथिल एल्कोहल और सांद्र सिसुपोर का मिश्रण लेते हैं। ये इसमें अति शीघ्र ईथर का निर्माण होता है शीघ्रता से, इसलिए सतत इसमें इच्छा अनुसार ईथर निर्माण करना है तो एल्कोहल और H2SO4 मिलाते चले जाएं, और इस क्रिया में लगातार ईथर निर्माण होता रहता है, इसलिए इस विधि को सतत ईथरीकरण विधि भी कहते हैं।
इसमें ध्यान दें इसका केवल समीकरण लिखेंगे C2H5OH और ये H2SO4 है H2SO4 यहां से और यहां से ये पानी निकलता है और ये सीधे 100 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर दिया गया है। हम पानी यहां से आप बाहर निकालिए और ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। ये माध्यमिक यौगिक के रूप में बनता है जो अगले स्टेप में HSO4 अल्कोहल के अधिक के साथ क्रिया करके अल्कोहल एथिल अल्कोहल हो गया। ये यहां से ये इस तरह से ये फिर से H2SO4 बाहर निकल जाता है और ये C2H5O एंड C2H5O ये बन जाता है। इसमें H2SO4 ये जो निकलता है ये निर्जलीकरण कारक का भी काम करता है साथ साथ ये उत्प्रेरक का भी काम करता है। तो कोई एक ऐसी अभिक्रिया लिखिए इसमें H2SO4 निर्जलीकरण कारक और उत्प्रेरक दोनों की भांति कार्य करता है। ये ईथर के निर्माण की सरल सतत ईथरीकरण विधि है और इसमें H2SO4 निर्जलीकरण और उत्प्रेरक दोनों का काम करता है। तो ये समीकरण लिखेंगे प्रयोगशाला के अंदर, इसके बाद चित्र बनाएंगे और इसमें से जो ईथर बनता है वो अशुद्ध रहता है। अब इसे शोधन करना है तो आप लोग लिखेंगे चित्र बना लेंगे आप स्वयं और इसके बाद इसमें शोधन लिखते हैं। तो शोधन लिखने के लिए हम आपको समझा देते हैं शोधन में क्या करते हैं। प्यूरिफिकेशन जो अशुद्ध ईथर है जिसमें H2SO4 एथिल अल्कोहल और जल ये तीन पदार्थों की अशुद्धियां रहती हैं। इस अशुद्ध ईथर को एक पृथककारी कीट में लेकर उसमें तंग एनिओएच मिलाते हैं और तंग एनिओएच मिलाकर के उसको हिलाते हैं। पृथककारी कीट में एनिओएच मिलाने के बाद शेकिंग मींस हिलाने पर दो परतें बन जाती हैं। निचली परत में H2SO4 और अल्कोहल रहता है, ऊपरी परत में ईथर के साथ अल्कोहल और जल रहता है। निचली परत को पृथक कर लेते हैं, इस तरह से H2SO4 निकल जाता है। अब आगे द्रव मिश्रण जो बचता है उसमें एथिल अल्कोहल और जल रहता है ईथर के साथ। अब इसमें कैल्शियम क्लोराइड जो कि निर्जलीकारक है उसको मिलाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड मिलाने पर कैल्शियम क्लोराइड के साथ ये आपका एथिल अल्कोहल के क्रिस्टल बन जाते हैं। एथिल अल्कोहल के क्रिस्टल जिन्हें छानकर अलग कर लेते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर देते हैं। इस तरह से जो अवक्षणित बचता है ईथर के साथ जल शेष रहता है। अब इस शेष द्रव में फिर से कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। ये शेष द्रव मिश्रण में पुनः कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर दो से तीन दिन के लिए रख देते हैं जिससे जल रख देते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल अवशोषित हो जाता है। अब शेष ईथर को आसवन फ्लास्क में लेकर सोडियम के टुकड़े मिलाकर उसका आसवन करते हैं। आसवन करने पर सोडियम के क्रिस्टल आसवन फ्लास्क में रह जाते हैं तथा ये ईथर
वाष्प के रूप में बाहर आता है, फिर संघनित्र के माध्यम से ठंडा करके ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार जो आसवन से द्रव अशुद्ध प्राप्त होता है वो शुद्ध इथर होता है। ये था शोधन, बुक से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे और एलान क्वेश्चन में अपनी लैंग्वेज लिखने का प्रयास करिए। चित्र आप स्वयं बनाएंगे और मेन समीकरण है इसका और ये इस तरह से ये था। तो ये निर्माण की विधियाँ हो गई और इसी क्रम में अब आप इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे इथर के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इथर कई तरह के रिएक्शन देता है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इथर के वो रिएक्शन हैं जो इथीरियल ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं। तो यहां लिखेंगे इथीरियल ऑक्सीजन पर आधारित अभिक्रियाएं, इसमें नंबर एक लिखेंगे सबसे पहले आता है दहन। इथर एक कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ का दहन, दहन का मतलब है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब है वायु या ऑक्सीजन से क्रिया। जब दहन किया जाता है किसी कार्बनिक पदार्थ का तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ध्यान रखें। और ये क्रिया इसके इथीरियल ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है, ध्यान रखें। ये आता है C2H5 एंड C2H5, ये है इथीरियल ऑक्सीजन और इसमें आप इसको हिट करेंगे, ये O2 के साथ क्रिया करेगा और ये है आपका दहन। और दहन के फलस्वरूप यहाँ CO2 बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। यहाँ 10 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 × 10 2 × 4 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन, 5 और 4 × 8 = 13 और ये है 6 × 12 और ये 13। इस तरह से ये दहन की क्रिया हो गई। इसी क्रम में इसका अपघटन होता है, इथर का डिकम्पोजिशन कैसे होता है, टूटता कैसे है, तो ध्यान रखें। नंबर 2 डालेंगे इसी में, नंबर 2 अपघटन लिखेंगे, इथर का अपघटन यानी डिकम्पोजिशन है। इधर को जब क्लोरीन के वातावरण में, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस के वातावरण में गुजारते हैं, ये अपघटित हो जाता है। और इसे ये भी कह सकते हैं क्या होता है जब इथर की क्रिया यानी डाइएथिल इथर की क्रिया क्लोरीन के साथ होती है, या क्या होता है जब डाइएथिल इथर को क्लोरीन के वातावरण में गर्म करते हैं। ये ध्यान रखें, ये C2H5 प्लस क्लोरीन का वातावरण है, यहाँ Cl2 गेट, इसके 4 मॉलिक्यूल ले सकते हैं और इसको हीट करेंगे और ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर 4 कार्बन निकलता है, कार्बन ग्रुप होता है, 8HCl बनेंगे और 6 इसमें वाटर निकल जाता है। ये 4 कार्बन है, 2 × 4 और 5 × 10 में 8 है, 2 ये और 8Cl 4 × 8। इस तरह से मेन ये कार्बन बनता है जब हम डाइएथिल ईथर का क्लोरीन के वातावरण में अपघटन करते हैं। इसी क्रम में लास्ट सेक्शन और है जो इस इथियल ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। नंबर 3 लिखेंगे ऑक्सीकरण किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीडेशन। यहां पर ये इथर है और इथर का जब ऑक्सीकरण किया जाता है ये, और ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीकारक हमेशा नवजात ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीकारक के रूप में यहाँ K2Cl2O7 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लिया गया है। इस तरह से और ये नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसके 2 एटम ले लेंगे, 2 और ये, इस तरह से बनाएगा ट्वाइस CH3CHO।
दो और दो चार, दो और दो चार, छह और दो आठ, और दो हाइड्रोजन यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इस तरह से फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। ये ईथर का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो पहले एसिटाल्डिहाइड होता है और एसिटाल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये अंतिम उत्पाद के रूप में एसिटिक एसिड बन जाता है, एसिटिक अम्ल। ये था ईथर का ऑक्सीकरण कैसे करते हैं, और इसे इस क्रिया को ऐसे भी आप कह सकते हैं क्या होता है जब डाइएथिल ईथर की क्रिया पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद H2SO4 के साथ होती है, या डाइएथिल ईथर से एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये रिएक्शन जो अभी पढ़े आपने, ये ईथर के इथियल ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं। शेष हम आगे बताएंगे आपको। आज का लेक्चर यहीं से समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।